सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है 3रे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी, और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं, आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। महोदय जी, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है 3रे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी, और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं, आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं।